पे है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये समस्या विकराल नहीं है। यहाँ पर कोरोना का फैलाव औसत आंकड़ों से बेहद कम है, साथ ही यहाँ किसी भी पेशेंट की स्थिति गंभीर नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दो मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश पर पहले ही नाकेबंदी करके शुरू कर दी थी। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना पीड़ित की संख्या 7 है। हालांकि पॉजिटिव केस 9 आ गए थे, लेकिन दो मरीज पूरी तरह ठीक होने के बाद घर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समय रहते जो कड़े कदम उठाए हैं उसका ही नतीजा कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का फैलाव नहीं हुआ। देश में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की जो घोषणा है वो 24 मार्च को उनके द्वारा किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 मार्च को कई जगहों पर नाकेबंदी के आदेश दे दिए थे। आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने 19 मार्च को कौन कौन से बड़े फैसले लिए थे। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में धारा 144 लागू, प्रदेश से संचालित सभी अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद, पर्यटन स्थानों पर प्रतिबंध, सभी शैक्षणिक संस्थानों को किया बंद, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के साथ कॉलेज की परीक्षाएं स्थगित, 15 मार्च को एयर इंडिया की विमान संख्या AI-651 से रायपुर लौटने वालों की जानकारी, प्रदेश भर में COVID-19 की जानकारी और जागरूकता के संदेशों का प्रचार प्रसार, सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना के हर गतिविधियों की जानकारी लेते रहे, साथ ही उन्हें निर्देशित करते रहे। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से मिले निर्देशों के मुताबिक हर वो कदम उठाए जिससे छत्तीसगढ़ में कोरोना का फैलाव रोका जा सके। लिहाजा इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक और निर्णय लिया जिसमें छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक अन्य सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जैसे राज्य के पंजीयन कार्यालय अब 31 मार्च तक रहेंगे बंद, देशी विदेशी मदिरा दुकानों और रेस्टोरेंट होटल बार भी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए। साथ ही खाद्य एवं परिवहन विभाग की राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित, गरीब परिवार को 2 माह का राशन मुफ्त देने का भी उन्होंने ऐलान किया। घर में ही रहकर आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जो उपाय बताए हैं उसका पालन खुद भी करें और संपूर्ण परिवार को भी कराएं। लॉकडाउन के दौरान आपको राशन आदि की परेशानी न हो इसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके बाद भी इन तमाम निर्णयों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के अनुसार 24 अप्रैल तक बढ़ा दिए गए। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से मदद की भी अपील की, वहीं वो खुद से होकर सारी व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। वैभव शिव पांडे के साथ स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।